आगे बढ़ेंगे और अब स्वागत करेंगे बसीन साहब का। मार्केट के महारथी संजीव भसीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। भसीन साहब, 49,000 का बैंक निफ्टी मोमेंटम लगातार बना हुआ है, आप जरा एक व्यू शेयर कीजिए अपना और कोई अपडेट्स है तो भी बताइएगा। हाँ, गुड मॉर्निंग अभिषेक, आपको, डिम्पी और सृष्टि को। तो अपडेट ये है कि बाजार में आपको कहा था थोड़ी सावधानी बरतना, अब 49,000 पे ज्यादा आपको हिम्मत वाला नहीं बनना, थोड़ा सा धैर्य रखना है। देखिए, अक्टूबर के महीने में एफआई की पोजिशन 72% शॉर्ट थी, वो होता है बॉटम, क्योंकि गधे जहां बेचेंगे वहां आपको लॉन्ग होना है, और अब हो गई है 18% लॉन्ग, और जब वो लेने आएंगे तो आपको यहाँ प्रॉफिट बुक करना है। ऐसा बैरोमीटर नहीं है, लेकिन ये हिस्टोरिक होता है। ग्रीड एंड फियर इज प्लेड आउट परफेक्टली बाय देम। देखिए, हायर यील्ड्स, हायर ऑयल प्राइस और फ्रॉथ ऑन द मार्केट इज टेलिंग मी कि आज नहीं तो कल थोड़ा सा यहाँ पे आपको संयम रखना चाहिए। मार्केट में जब तक 4-5% की करेक्शन ना आए, यू डोंट हैव टू बी ओवर एग्जुबरेंट। स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, इंडेक्स पे मुझे अब कोई तेजी इतनी जल्दी नहीं दिखती, और मुझे लगता है आज की बात छोड़ के आज फिर वापस शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि मैग्निफिसेंट 7 चल रहे हैं। यहां से यू मस्ट टेक सम मनी ऑफ द टेबल, अर्निंग्स को प्ले आउट करने दीजिए, मैक्रोस को प्ले आउट करने दीजिए। तेल में मुझे फिर तेजी दिख रही है, और स्टॉक स्पेसिफिक आपको जैसे कमोडिटीज कही थी, मेटल, स्पेशलिटी केमिकल, वहां आपको रुझान रखना चाहिए। बट ब्रॉडर मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी में मुझे फुली प्राइस दिखते हैं। आपको अपडेट दे दूं, परसों भी आपको मैंने वेदांता और एसबीआई लाइफ कहा था, वेदांता 9% बढ़ गया, 260, 65, 70 में आपको ठोक के कहा था वेदांता 450 रुपए जाएगा, और 450 रुपए हो गया, एक महीने में 30% बढ़ा है। सेल, नेल्को, गेल सारे आपके आउट परफॉर्मर्स हैं। आपको ये भी कहा था 22,700 की पुट लेके जाना 160 रुपए में, और उसमें आपको 250 का टारगेट दिख जाएगा, हो सकता है आज ही आपको 250 रुपए दिख जाए। तो आप अगर सेफ्टी को न्यूट्रलाइज करते हैं, हेज करते हैं, आपके लिए सुविधा रहती है। आज भी मैं सोचता हूं अगर मार्केट में कोई भी थोड़ी सी रैली आएगी, बाय सम पुट्स एंड बाय प्रोटेक्शन। आप कहें तो मैं आज के भी पिक्स आपको दे दूं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके वेट कर रहे हैं सर आपके ट्रेड के लिए भी, और आपने अच्छा किया अपडेट पहले ही बता दिया, और इंडाइसिस पे भी आपने क्लियर कर दिया कि भाई थोड़ा सावधानी रखो, अब ऐसा नहीं है कि एक तरफ हर दिन तेजी चलती रहेगी। ठीक है बसीन साहब, बताइए अपने शेयर्स बताइए सर आज के। तो देखिए डिम्पी जी, दो कॉल्स हैं, एक बाय एक सेल, और ये ज्यादातर उनके लिए है जो ट्रेडर भी है और मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। मुझे लगता है कैपिटल गुड्स में जो तेजी आई है, बहुत ज्यादा ऊपर चले गए हैं शेयर, यहां से थोड़ी बहुत थीमी आनी चाहिए। एबीबी में मेरा सेल है, आई थिंक एबीबी इज नाउ ट्रेडिंग एट 62 times, विच इज वेरी एक्सपेंसिव, और इस भाव पे सस्टेनेबल नहीं है। साथ में इनपुट कॉस्ट बढ़ती है, स्टील, कॉपर, निकल, वो इनके लिए नेगेटिव होता है मार्जिन के लिए। सेल एबीबी एट 6,600 का स्टॉप लॉस, 6,350 का टारगेट। और लीवर मुझे बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि अगर आपके सीड्स और कॉर्न प्राइसेस वगैरह बढ़ते हैं तो लीवर का पास ऑन इफेक्ट बहुत अच्छा है। लीवर एक कॉन्ट्रेरियन स्टॉक है, अंडर परफॉर्म करता है, लेकिन कंजम्पशन इज बैक, और अगर हम सोचें कि रूरल इनकम बढ़ेगी तो लीवर बिकम्स अ वेरी गुड प्रॉक्सी। मुझे लगता है आज से लीवर शुड स्टार्ट टू एटलीस्ट मार्केट परफॉर्म। 2,250 में लीजिए, 2,200 का स्टॉप लॉस है, लेकिन मुझे 2,500 का टारगेट, माने यहाँ से 7-8%, 10% तक की तेजी भी लीवर में मुझे कोई अचंबा नहीं होगा। ओके, तो HUL बाय और एबीबी इंडिया यहाँ पे सेल करना है, दोनों ही कॉल्स जो है ट्रेडर्स के लिहाज से। भसीन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। एक सवाल आपसे केमिकल स्पेस पे था, देखिए UPL आपने रिकमेंड किया था, पिछले सत्र में भी हमने एक बढ़िया एक्शन उसमें देखा, पर केमिकल स्पेस में से कोई और स्टॉक है जहाँ पे नज़र रखनी है, क्योंकि फंडामेंटल लिहाज से कई सारे ट्रिगर्स अब सामने आ रहे हैं, प्राइजिंग को लेकर थोड़ा सपोर्ट है, आपकी कोई कोई स्टॉक्स जो कि आपकी लिस्ट पर और भी हों? बिल्कुल सृष्टि, देखिए मैंने आपको बहुत पहले भी कहा था, मैंने जब बॉटमिंग आउट थी SRF और आरती, वहां पे किए थे 467 रुपए पे आरती और 2150 पे SRF, अब ये दोनों आउट परफॉर्म है। अभी भी बास्केट लीजिए, दीपक नाइट्राइट, नवीन, SRF, आरती एंड UPL, आप इनमें ये बास्केट में इन्वेस्टेड रहेंगे तो पैसा कमाएंगे।
अब ये नहीं कि एकदम ही आज आप थोड़ा बहुत अभी लीजिए थोड़ा बहुत नीचे, बट डोंट मिस स्पेशलिटी केमिकल एज अ स्पेस, बिकॉज सिंपली बुट उनके अलॉन्ग विद सोडा एंड टाटा केमिकल, वो मैं 940 से कह रहा हूं, इट्स अ पेडिग्री स्टॉक, और सोडा एज प्राइसेस जैसे बर्डिंग है, ऑल दिस सम्स अप के आई थिंक द बॉटमिंग ऑफ चाइना हैज हैपेंड। और जनरली सृष्टि मुझे 30 साल हो गए जब रेटिंग एजेंसी डाउनग्रेड अपग्रेड करते हैं, दैट इज द बॉटम एंड द टॉप। आज दो दिन पहले मैंने सुना चाइना को डाउनग्रेड कर दिया, बस अब आप सोचिए चाइना ही चाइना परफॉर्म करेगा जल्दी में, और मेटल्स और स्पेशलिटी केमिकल बिकम अ प्रॉक्सी टू दैट। आपका रेटिंग एजेंसीज के साथ में जहाँ वो रोक दें वहाँ से वो चलना शुरू, जहाँ वो चलने लगे वहाँ से आपका रुकना शुरू, ये अच्छा एनालिसिस है आपका, और आपने प्रूव किया है। आपको मेरे को लगता है बैक टेस्टिंग भी आपकी वसीन साहब, ये बिना बैक टेस्टिंग के और बिना 30 साल के तजुर्बे के ऐसे आ नहीं सकता, ये किसी के माई के लाल की हिम्मत नहीं ऐसे ले पाए कॉल, ये आप ही ले सकते हो बस। डिम्पी जी 2008 में आपको पता है मेरा बॉस न्यूयॉर्क बैठता था और मैं हांगकांग में ट्रैक डॉयचे बैंक के लिए रन करता था इंडिया और साउथ कोरिया, और मेरे बॉस ने कहा लीमन ब्रदर्स को एसएसपी ने अपग्रेड कर दिया उसकी क्रेडिट रेटिंग, उसके एक हफ्ते बाद लीमन ब्रदर्स जीरो हो गया, तो उसने कहा उसने समझाया रेटिंग एजेंसी पे कभी अपना पैसा मत लगाना नहीं तो हम बड़ा बड़ा नुकसान पाओगे, जब वो अपग्रेड करें या डाउनग्रेड करें लाइटर नोट में हम पे नहीं, तो समझ लेना। तो उस समय से मेरे बाल उड़े, मैंने कहा भैया रेटिंग एजेंसी से मैं दूर ही रहूंगा, जब वो कहेंगे उससे उल्टा करोगे पैसे कमा लोगे। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है सर, आपके मैं तजुर्बे आपके एक्सपीरियंस और आपके बॉस की कही हुई बात का रिस्पेक्ट करता हूँ, और ये हमको दिखता भी है कई बार, ऐसा होता है कि यूफोरिया में बहुत सारी चीज़ें दिखती नहीं है, धुंध सी आ जाती है, वो धुंध को आप छांटते हो, बहुत अच्छा लगता है सर आपसे बातचीत करके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अब मैं एक और दिल्ली के मेहमान का ही स्वागत करूंगा, आशीष कपूर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज ओपनिंग में, शुक्रवार का दिन है, आशीष सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आशीष सर वैसे तो मैं किसी न किसी खबर से आपसे क्वेश्चन पूछता, क्योंकि इस समय ना थोड़ा मौका और दस्तूर ऐसा है, कोई एक ऐसा शेयर आप मेरे को बता सकते हैं जहां पर वैल्यूएशन का कंफर्ट अभी भी आपके पास हो, एक ही शेयर की बात पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि मार्केट में इस समय बहुत बड़ी खरीदारी या अच्छी खरीदारी करके बनाए रखना भी अपने आप में चैलेंज हो गया, अब कोई एक शेयर आप दे सकते हैं स्टार्टिंग में। शेयर जो मेरे नज़र में है वो है ITC, मेरे मुताबिक स्टॉक ने एक अच्छा खासा करेक्ट भी कर लिया है और दोबारा उस पर रुझान आना शुरू हुआ है, स्टॉक डिफेंसिव भी है, सो अगर मार्केट में किसी वजह से करेक्शन जो कि काफ़ी देर से काइंड ऑफ ड्यू है वो भी आती है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा बल्कि हो सकता है कॉन्ट्रेरियन इंडेक्स मैनेजमेंट के कारण ये शायद चल भी जाए करेक्शन में, और either way downside limited है, और जैसे भसीन साहब ने भी थोड़ी देर पहले बोला मेरे मुताबिक कंज्यूमर सेक्टर में काफी देर से परफॉर्मेंस नहीं आई, तो और जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रूरल इनकम में इंक्रीज होना और आगे चल के पूरी जो कंज्यूमर जिस तरह से यू नो डिस्पोजेबल इनकम्स बढ़ रही हैं वो सबका ITC लीवर को फायदा होना ही होना है। ITC मेरी पिक है क्योंकि ITC मेरे मुताबिक बहुत ट्रिगर्स हैं आगे चल के, इनके कई बिजनेसेस अलग से लिस्ट भी होने की संभावना है, प्लस स्टॉक काफ़ी देर से करेक्ट होके एक तरह से कंसोलिडेट करके चलना शुरू हुआ है, तो मेरे मुताबिक ITC आप बहुत आराम से ले सकते हैं, बिना फियर ले सकते हैं, लिमिटेड डाउनसाइड रिस्क है और अपसाइड पोटेंशियल मेरे मुताबिक जैसे 2023 से 2022-23 में डबल हुआ था स्टॉक, ये कोई बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं होगा कि यहाँ से अगले 1.5-2 साल में दोबारा डबल हो जाए इन लेवल से, तो मेरे मुताबिक अपसाइड बहुत अच्छा है और डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है, तो दिस इज द बेस्ट वन स्टॉक लार्ज कैप जो कि हर कोई भी इन्वेस्टर अभी इस लेवल पे भी ले सकता है।